महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू की आलोचना की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने ट्विटर पर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। बावनकुले ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा है कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे अल्जाइमर रोग से पीड़ित हो गए हों। बावनकुले ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना का भी जवाब दिया। चंद्रशेखर बावनकुले ने ट्वीट कर उद्धव ठाकरे की आलोचना की। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे 2.5 साल तक घर बैठे रहे और फेसबुक लाइव के जरिए सरकार चलाई। जो उद्धव ठाकरे 2.5 दिन में 2.5 दिन मंत्रालय भी नहीं जाना चाहते थे, वे सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने 9 साल में क्या किया। आप शायद अल्जाइमर रोग से पीड़ित है क्योंकि आपने 2019 के चुनाव में पीएम मोदी की उपलब्धियों पर सैकड़ों भाषण दिए और जीत गए। किसी अच्छे न्यूरोसर्जन से मिले और इलाज कराए, इसलिए आपको पीएम मोदी पर दिए भाषण याद रहेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू की आलोचना की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने ट्विटर पर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। बावनकुले ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा है कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे अल्जाइमर रोग से पीड़ित हो गए हों। बावनकुले ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना का भी जवाब दिया। चंद्रशेखर बावनकुले ने ट्वीट कर उद्धव ठाकरे की आलोचना की। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे 2.5 साल तक घर बैठे रहे और फेसबुक लाइव के जरिए सरकार चलाई। जो उद्धव ठाकरे 2.5 दिन में 2.5 दिन मंत्रालय भी नहीं जाना चाहते थे, वे सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने 9 साल में क्या किया। आप शायद अल्जाइमर रोग से पीड़ित है क्योंकि आपने 2019 के चुनाव में पीएम मोदी की उपलब्धियों पर सैकड़ों भाषण दिए और जीत गए। किसी अच्छे न्यूरोसर्जन से मिले और इलाज कराए, इसलिए आपको पीएम मोदी पर दिए भाषण याद रहेंगे।